रवाना हो रहा हूँ। तो अभी मैं हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहा हूँ जो कि 300 किलोमीटर के लगभग हैदराबाद पड़ जाता है। तो यहाँ एयरपोर्ट से फिर आगे फ्लाइट है दिल्ली के लिए। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सभी ठीक होंगे। और आप बार बार सोचते होंगे कि जॉब लगने के बाद भी टीवी कराने की क्या आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। ये देखो, एक हर जगह हर क्षेत्र हमें एक अलग ही अनुभव देता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है हमें। तो उस एक्सपीरियंस को आगे चल के उससे हज़ारों स्टूडेंट्स की जीवनी लिखी जाती है जो उनकी हर जगह मदद करते हैं। तो इसलिए उस अनुभव के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा हज़ारों स्टूडेंट्स को मदद मिलना, परेशानियाँ उनकी, क्योंकि जो पहली बार सेलेक्ट होता है स्टूडेंट है उसको ये नहीं पता होता कि क्या करना है आगे। वो पेपर दे देता है, लेकिन जैसे हमने कई बार 7 से 8 बार मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है एसएससी में, कई बार मेडिकल हुए हैं, कई बार टाइपिंग हुई है, तो हर चीज़ का प्रोसेस का फाइनली हमें पता रहता है। तो हम आपसे शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, और स्टूडेंट के मन में जो 1% भी झिझक रहती है वो झिझक दूर हो जाती है। आज सुबह हमारा मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप वहाँ CTC के बाहर पहाड़ी पर वो था लेक्चर, जिसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। बाकी उम्मीद है आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। और अभी थोड़ा टाइम मिला उसमें मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए। अभी SSC CHSL का Tier 2 है, उसका बढ़िया से तैयारी कीजिए। ये मेरा 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इसमें अच्छी पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। तो फिर भी देखेंगे जैसा भी रहेगा आगे। यहाँ CRPF में अच्छा चल रहा है सब। ये मान लो आप चाहे SI की पोस्ट से लगें, चाहे कॉन्स्टेबल किसी पोस्ट से, जैसे हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से लगे, तो जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो सभी को पार करना पड़ता है। और उसमें एज ए ट्रेनी आप ट्रीट करे किए जाते हो, उसमें आपको हर काम करने सिखाते हैं, आपकी सारी झिझक दूर हो जाती है। शुरू में जैसे हम लोग आए थे, तो जिस समय हम आए थे उस समय हमारे मन में होता था कि कई बार पनिशमेंट मिल जाती थी, तो ऐसे झिझक रहती थी, क्योंकि बाहर सिविल लाइफ और घर पे अच्छी लाइफ, रेस्पेक्टफुल लाइफ स्पेंड किए हुए रह गए। लेकिन अब धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से ड्यूटी करनी है, कोई अगर पनिशमेंट दे तो कैसे एकदम कॉशियस तरीके से ड्यूटी कैसे की जाती है, सावधानी कैसे बरती जाती है, ऑफिसर्स से कैसे पेश आया जाता है, क्योंकि कल को हम भी सीधा यहाँ से पोस्टिंग होगी तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर बनेंगे। बाकी एक अच्छी बात यह है कि मेरा अजमेर जोन से रेलवे में भी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, फाइनल पैनल कल बन चुका है। तो फाइनल पैनल में बता दिया गया है, अंतिम रूप से चयनित कर दिया उन्होंने। कई दिन हो गए थे तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, फ्री बैठा था ट्रेन में। अब जब तक वहाँ हैदराबाद नहीं पहुँच जाते तब तक तो मैं फ्री हूँ एकदम। और बताइए, आप तैयारी करो, बढ़िया जम के तैयारी करो, एकदम शानदार तरीके की तैयारी करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्स्टेबल बनने वाला स्टूडेंट कैंडिडेट जो होता है वो SI के बाद चला जाता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेबल में सेलेक्ट होकर अब SI में आए हैं, पहले कॉन्स्टेबल थे और अब SI में सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, समाज में खुद का मतलब विश्वास बनाइए। लोग आप पर तभी विश्वास करेंगे जब आज के समय में एक प्रकार से ये लहर सी चल रही है गवर्नमेंट जॉब की। तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। और गर्ल्स के लिए भी आजकल गर्ल्स तो बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में लाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थोड़ी बहुत कमी रह रही है उसे कवर कर दीजिए, क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन है तो अच्छी वैकेंसी आ रही है। जैसे GD में 50,000 प्लस हो गई और CPO में भी अच्छी आ रही है। तो एक बार के लिए मेरे कहने से, और ये मान लो आपको करना भी तो है कुछ, वरना फिर आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में इधर आप आराम से 40-50 हज़ार रुपये मंथली आराम से कमा सकते हैं, एक अच्छी स्टेबिलिटी ला सकते हैं लाइफ में। आपकी इसी चीज़ पर के आगे की लाइफ डिपेंड करती है, आपकी मैरिज वगैरह, आपके फ्यूचर क्या रहेगा, ये इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप कितने काबिल हैं। और काबिल आपके टाइम पर उसी को माना गया है जो गवर्नमेंट जॉब में हो दुर्भाग्य से। तो आप अच्छी पोस्ट लें, मेहनत करें, और मतलब थोड़ी सी मेहनत, वरना फिर आपको 5-10 हज़ार रुपये के लिए भी दर दर भटकना पड़ेगा। आपके जो अपने हैं वो भी आपके विपक्ष में जाके खड़े हो जाएंगे।
घर वाले भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो कितने दिन आपको करेंगे। हालांकि ये भी समझना चाहिए कि वैकेंसियाँ धीरे धीरे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैकेंसियाँ सब तो लग नहीं सकते, लेकिन अभी तक प्राइवेट सेक्टर इतना आगे बढ़कर नहीं आया है। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के मुकाबले में मतलब सैलरी में बहुत ज़्यादा डाउन है। वहीं आप अगर गवर्नमेंट चीज़ में हो तो आपको 50,000 सैलरी मिल रही होगी, और प्राइवेट हो तो 8,000 सैलरी मिल रही होगी, तो थोड़ा सा वेरिएशन है, टाइम लगेगा इस चीज़ में। अभी तो अभी जो आज की परिस्थिति में है उन्हें तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि बढ़िया से तैयारी करें। अभी आपका होगा सिलेक्शन, कई लोग आप में ऐसे होंगे जो मेरिट आउट हो जाते होंगे, कई ऐसे होंगे जो फिजिकल निकाल देते होंगे, पेपर नहीं निकलता होगा उनका, कई पेपर निकाल देते होंगे फिजिकली फिट नहीं है, कईयों की टाइपिंग नहीं है। लेकिन आजकल गवर्नमेंट भी बहुत मतलब अच्छे कैंडिडेट लेना चाहती है, तो आप हर प्रकार से परफेक्ट रहें बस। और जब जॉब लग जाएंगे तो अंतिम आपकी जॉब लगने के बाद देखना आपको चीज़ें, जिस चीज़ को आप अचीव कर लेते हो ना वो आपको नॉर्मल लगने लगती है। जैसे कई लोग हैं जो जैसे रनिंग में जिस टारगेट को अचीव कर लेते हैं उनको वो आसान लगने लगती है। जैसे हम जॉब में नहीं थे तो उससे पहले ये चीज़ें टफ हुआ करती थी थोड़ी, लेकिन जब आदमी खुद लग जाता है तो ये चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लग सकता आदमी। अब हमें हमारे अपर लेवल जैसे गजिटेड लेवल की जॉब थोड़ी अच्छी लगती है कि टफ लगती है, लेकिन जिस दिन लग जाएंगे, बन जाएंगे, गजिटेड में चले जाएंगे, उस दिन ऐसा लगेगा नॉर्मल है। तो बस वही बात है, जैसे अपन IAS IPS को देखते हैं तो हमें उनकी लाइफ बहुत ऐसा लगता है, लेकिन वो खुद सोचते हैं कि नॉर्मल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खुश रहिए, मस्त रहिए, कोई भी आपका डाउट है बात कीजिए, आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लेकिन डेली कम से कम 5-7 घंटे की पढ़ाई जरूरी है कोचिंग के अलावा। जैसे आप अगर कहीं भी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन या इंस्टीट्यूट में जाके कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके अलावा 5-7 घंटे की पढ़ाई की सख्त आवश्यकता है, तब जाके आपको 5-7 महीने में जॉब मिलेगी। अब आप 3 महीने पहले तैयारी करने लगे, हालांकि 3 महीने पहले भी बात बन जाती, लेकिन आपका बेस मजबूत होना चाहिए। कई लोगों को 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए, कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए, लेकिन इस बार तो करके दिखा दो काम, बढ़िया से कर लो तैयारी। तो मेरी तो यही उम्मीदें रहेंगी आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन श्योर है आपका। बीच में आप अपने आप को क्या है कि डिस्ट्रैक्ट मत करो, कभी कहाँ लग जाते हो, कभी घर में लग जाते हो, कभी उधर लग जाते हो, कभी कहाँ लग जाते हो, ऐसे कामों में अगर आप बिजी हो जाओगे तो काम बनेगा कैसे, बताओ। रेगुलरिटी मतलब रेगुलरिटी, अंतिम रूप से चयनित वही स्टूडेंट होता है जो रेगुलर रहता है पढ़ाई में। वो आपने थोड़ा सा दुख हुआ, कोई रिजल्ट में नंबर नहीं आया तो उस टाइम भयंकर पढ़ाई कर ली 15-15 घंटे, और कुछ समय बाद में एकदम इतने ठंडे पड़े कि 5-7 दिन तो बुक नहीं उठाई, उठाई तो आधे 1 घंटे उठाई। एक रेगुलर रिदम में रखो पढ़ाई और काम बनेगा, मेरी गारंटी है, आप काम बनेगा, आपके सिलेक्शन होगा श्योर कहीं भी हो। क्योंकि मैंने जितने भी कैंडिडेट्स को पढ़ाया है और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें क्षमता है करने की। ठीक है, तो दोस्तों आपसे फिर बात करेंगे ज़रूर। अभी मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुँचूँगा, फिर उसके बाद में CHSL में कैसा क्या रहता है, डिग्री उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का भी ध्यान रखना, ठीक है, मेहनत करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।